ये हमारे पास स्कैपुला है ऑक्स की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्रेनियल, कॉडल, मीडियल, लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल। इसकी जो हमारे पास मीडियल सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन नहीं होती। और इसकी जो लैटरल सरफेस है उस पर हमारे पास ये स्पाइन होती है, इसे हम क्या कहेंगे, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये होगी हमारे पास लैटरल साइड पे, और इसकी जो मीडियल साइड है वो बिल्कुल स्मूथ होगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी क्रेनियल कॉडल पे। क्रेनियल की पहचान ये है कि इसकी जो क्रेनियल, ये जो बॉर्डर है हमारे पास, ये क्रेनियल बॉर्डर, ये एक तो बिल्कुल थिन होता है और इसमें एक नॉच होती है बड़ी सारी, इसे हम कहते हैं स्पाइन थ्रोक नहीं। ये जो है हमारे पास, इसे हम कहेंगे स्कैपुलर नॉच, नॉच ऑफ स्कैपुला। ये कहाँ पे होगी, हमारे पास क्रेनियल बॉर्डर पे। क्रेनियल की पहचान क्या मैंने बताई, कि इसका क्रेनियल बॉर्डर क्या होता है, थिन होता है और इसमें हमारे पास स्कैपुलर नॉच होती है। और जो इसकी कॉडल की पहचान है, उसकी ये पहचान है कि इसका कॉडल बॉर्डर एक तो थिक होगा और इसमें थोड़ी सी रफनेस यानी कि रिजिज होगी, और इसमें जो है स्पाइन भी, नॉच भी नहीं होगी। कॉडल बॉर्डर इसका क्या होगा, थिक होगा और इसमें ये हमारे पास छोटी छोटी क्या होंगी, रिजिज होंगी, और इसमें कोई भी हमारे पास नॉच नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं इसका डॉर्सल और वेंट्रल। ये जो हमारे पास बॉर्डर है इसका, ये इसकी है डॉर्सल साइड, और ये जो हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी है, ये होती है इसकी वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल साइड पे इसके डॉर्सल बॉर्डर आ जाएगा और वेंट्रल साइड पे इसके ग्लेनॉइड कैविटी आ जाएगी। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये मैंने इस तरह बोन पकड़नी है क्योंकि ये स्पाइन होती है लैटरल साइड पे। ये इसका फोसा जो है स्मूथ सरफेस मीडियल साइड पे, क्रेनियल साइड पे थिन बॉर्डर, कॉडल साइड पे थिक बॉर्डर, डॉर्सल साइड पे डॉर्सल बॉर्डर, और वेंट्रल साइड पे इसका ग्लेनॉइड कैविटी। अब सबसे पहले ये जो मेरे पास प्रोजेक्शन बड़ी सारी नज़र आ रही है, ये बड़ी सारी प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ये ट्यूबर होता है हमारे पास, और एक ये नीचे हमारे पास ट्यूबरोसिटी होती है। ये ट्यूबर है और ये हमारे पास ट्यूबरोसिटी है। इस ट्यूबर का नाम है स्पाइनल ट्यूबर और इस ट्यूबरोसिटी का नाम है एक्रोमियन। ये जो ट्यूबरोसिटी है हमारे पास, इसे हम कहते हैं एक्रोमियन, और ये जो ट्यूबर है हमारे पास, इसे हम कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर। इन दोनों का जो है स्पीशी डिफरेंस है, तीनों स्पीशीज में ये डिफर करते हैं। ये जो स्पाइनल ट्यूबर है हमारे पास, ये हॉर्स में फुली डिवेलप होगा, ऑक्स में पुअरली डिवेलप होगा, और डॉग में एबसेंट होगा। फुली डिवेलप इन हॉर्स, पुअरली डिवेलप्ड इन ऑक्स, एंड एबसेंट इन डॉग। और ये जो हमारे पास नीचे आ रही है एक्रोमियन, इसका भी स्पीशी डिफरेंस है। इसका स्पीशी डिफरेंस ये है कि इट इज प्रेजेंट इन ऑक्स, ये आप देख रहे हैं, अगर इसमें ये हमें नजर आ रही है तो ये बोन किसकी होगी, ऑक्स की होगी। अब ये हमारे पास इसकी स्कैपुला है ऑक्स की, क्योंकि इसमें क्या है, एक्रोमियन। एक्रोमियन इज प्रेजेंट इन स्कैपुला ऑफ ऑक्स, एबसेंट इन हॉर्स, एंड प्रेजेंट इन डॉग। यानी कि डॉग और हॉर्स में ये डॉग और ऑक्स में प्रेजेंट होगी और हॉर्स में क्या होगी, एबसेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस स्पाइन के क्रेनियल और कॉडल दो सर्फेसिस हैं। ये जो स्पाइन है हमारे पास, इसके क्रेनियल, ये वाला जो सर्फेस है, इसे हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर फॉसा, और ये जो कॉडल साइड पे है, इसे हम कहते हैं इंफ्रा सुप्रास्कैपुलर और इंफ्रास्कैपुलर फॉसा। सुप्रास्कैपुलर फॉसा और इंफ्रास्कैपुलर फॉसा। और इसके बाद हमारे पास बैक साइड पे आए हम, इसकी मीडियल साइड पे आए, तो ये जो मेरे पास नीचे डीप सरफेस है, इसका नीचे बैठा हुआ है, इसको हम कहते हैं सब स्कैपुलर फॉसा। ठीक है, अब ये सब स्कैपुलर फॉसा से ऊपर जाएं क्रेनियल साइड पे, ये सब स्कैपुलर फॉसा है मेरे पास, इससे ऊपर जाएं और कहाँ जाना है, क्रेनियल साइड पे। तो ये जो मेरे पास रफ सरफेस आ रहा है, इसे हम कहते हैं फेशिया सिरेटा। ठीक है, ये सबस्कैपुलर फॉसा, सबस्कैपुलर फॉसा से कहाँ जाना है, ऊपर, और फिर कहाँ जाना है, क्रेनियल। तो ये जो मेरे पास रफ सरफेस आ रहा है, इस रफ सरफेस को हम कहते हैं फेशिया सिरेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके तीन एंगल्स होते हैं। ये मेरे पास क्रेनियल बॉर्डर है, तो इस एंगल को हम कहेंगे क्रेनियल एंगल। ये क्रेनियल बॉर्डर है, तो ये जो एंगल बन रहा है क्रेनियल बॉर्डर पे, इसको कहेंगे हम क्रेनियल एंगल। और ये जो कॉडल पे बन रहा है, इसे हम कहेंगे कॉडल एंगल। ठीक है, क्रेनियल एंगल, और दूसरा कौन सा है, कॉडल एंगल। तीसरा एंगल कहाँ होगा, तीसरा एंगल होगा इसकी वेंट्रल साइड पे, ये जहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी होती है ना, ये जो मेरे पास एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं वेंट्रल एंगल ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अब हम आते हैं इसके डिस्टल पार्ट पे। इसका जो डिस्टल पार्ट है, उस पे हमारे पास ये जो कैविटी होती है, डिप्रेशन होती है, इसको हम कहते हैं ग्लेनॉइड। ठीक है, यहाँ पे हेड ऑफ फीमर ह्यूमेरस आके जो है हमारे पास जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, किसका, ग्लेनॉइड कैविटी का और हेड ऑफ ह्यूमेरस का। क्लियर, अब ये हमारे पास कौन सी सरफेस है, इसकी वेंट्रल, ये वेंट्रल सरफेस, और वेंट्रल सरफेस पे हमने ग्लेनॉइड कैविटी के क्रेनियल जाना है। ठीक है,
अगर हम ग्लेनॉइड कैविटी कहाँ जाएं, क्रेनियल जाएं, तो ये हमारे पास जो ट्यूबरोसिटी मिल रही है इसे हम कहते हैं सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल। इस ट्यूबरोसिटी को क्या कहेंगे? सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल। ये हमें नजर कैसे आएगी? ये ग्लेनॉइड कैविटी, और ये कौन सी सरफेस है? लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस पे ग्लेनॉइड कैविटी से हमने कहाँ जाना है? क्रेनियल, क्रेनियल जाना है। तो ये जो हमें ट्यूबरोसिटी मिलेगी इसे हम क्या कहेंगे? सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल। और अगर हम पीछे आ रहे हैं, यानी कि ग्लेनॉइड कैविटी से कहाँ आए हम? कॉडल आए। तो ये जो मेरे पास छोटी सी ट्यूबरोसिटी मिल रही है इसे हम कह देंगे इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, क्रेनियल जाएंगे तो सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल, कॉडल आएंगे तो इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। सरफेस कौन सी है? लैटरल सरफेस। ठीक है, अब एक छोटी सी प्रोसेस होती है कोरोकॉइड प्रोसेस। कोरोकॉइड प्रोसेस वो हमें कैसे नजर आएगी? कि हम कहां से गए थे? ग्लेनॉइड कैविटी से क्रेनियल गए थे, तो हमारे पास क्या आया था? सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। अब सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से हम चले जाएं मीडियल, ये सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल से कहां चले जाएं हम? मीडियल साइड पे चले जाएं। तो ये जो छोटी सी ट्यूबरोसिटी मुझे नजर आ रही है इससे हम क्या कहेंगे? कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, और ये जो है रिड्यूस्ड क्लेविक सॉरी इसे हम कहेंगे कोरोकॉइड प्रोसेस। बस अब हम इसका देखते हैं तीनों बोन्स का स्पीशी डिफरेंस क्या है। स्पीशी डिफरेंस हमें सिर्फ दो चीज़ों में मिलता है, वो एक एक्रोमियन का स्पीशी डिफरेंस है और दूसरा स्पीशी डिफरेंस है स्पाइनल ट्यूबर का। इसे हम कहते हैं स्पाइनल ट्यूबर और इसे हम कहते हैं एक्रोमियन। स्पाइनल ट्यूबर का ये डिफरेंस है, स्पीशी डिफरेंस ये है कि ये हॉर्स में फुली डिवेलप होगा, ऑक्स में पुअरली डिवेलप होगा और डॉग में एबसेंट होगा। अब ये मेरे पास जो ऑक्स है इसमें क्या है? पुअरली डिवेलप है। ये मेरे पास बोन है हॉर्स की, इसमें देखें फुली डिवेलप है। ठीक है, हॉर्स में फुली डिवेलप और ये ऑक्स में पुअरली डिवेलप। ठीक है, और ये थर्ड बोन मेरे पास डॉग की है, यहाँ पे देखें आपको नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि एबसेंट इन डॉग। ठीक हो गया, फुली डिवेलप इन हॉर्स, पुअरली डिवेलप इन ऑक्स एंड एबसेंट इन डॉग। अब हम आते हैं एक्रोमियन के स्पीशी डिफरेंस की तरफ। ये जो हमारे पास इसके डिस्टल एंड पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला के डिस्टल एंड पे ट्यूबरोसिटी मिलती है इसे हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन। और इसका स्पीशी डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास ऑक्स में प्रेजेंट होगी। ये देखें ये ऑक्स की बोन है ना, तो ऑक्स में हमें ये एक्रोमियन नजर आ रही है और डॉग में भी ये प्रेजेंट होती है, ये डॉग में नजर आ रही है एक्रोमियन। और थर्ड स्पीशी कौन सी होती है? हॉर्स, हॉर्स में ये एबसेंट होती है। ठीक है, एक्रोमियन इज प्रेजेंट इन ऑक्स, प्रेजेंट इन डॉग एंड एबसेंट इन हॉर्स। ये है इन इस बोन का स्पीशी डिफरेंस।